हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथियों को लेकर, ठीक है। अतिथियों को अनुभव होते हुए वेतन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनको बहुत कम वेतन मिल रहा है। इनने बोला है सरकार से इनको या तो 12 माह का सेवाकाल दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इनको 10 महीने का सेवाकाल दिया जाता है और 18 से 20 दिन का ही वेतन मिलता है, ठीक है। बाकी दिनों का इनका वेतन कट जाता है, छुट्टियों का वेतन कट जाता है, ठीक है। जबकि इनके पास अनुभव है, योग्यता है, फिर भी इनको वेतन बहुत कम मिलता है। तो सरकार से मांग की है कि 12 माह का सेवाकाल और 30 दिन का वेतन दिया जाए। पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो में बने रहो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। अतिथि विद्वान धन्नी पर बोले, 10 साल का अनुभव फिर भी भेदभाव न्यूनतम। तो कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान ने गुरुवार को धरना दिया। उन्होंने यह क्लासेस नहीं ली। उन्होंने मांग की है कि उन्हें 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस का भुगतान किया जाता। वर्तमान में उन्हें 1000 रुपये प्रति कार्य दिवस का भुगतान होता है। यह स्वामित्र आधार पर अतिथि विद्वान रखे गए हैं। अतिथि विद्वानों ने बताया कि वे लोग महीने में मुश्किल से 18 से 20 दिन ही पढ़ा पाते हैं, ठीक है। 18 से 20 दिन ही वो पढ़ा पाते हैं। छुट्टी का उन्हें भुगतान नहीं होता। इसी के साथ उन्हें 8 महीने के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो इन्हें मांग की है कि 12 महीने के लिए रखा जाए। उन्होंने पूरा 12 माह के लिए रखा जाए मांग की जा रही है। और यही मांग की गई कि उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिनों में तो उन्हें 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होता है। यह नहीं, यहाँ पढ़ाने वाले अधिकांश अतिथि विद्वानों को 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है और वे PhD और नेट भी है। धरना देने वालों में श्वेता राठौर, मनोहर लालवानी, दर्शना सोनी, मोनिका सोनी, नीतू साहू आदि अतिथि विद्वान शामिल हैं। अतिथि विद्वान ने बताया कि शुक्रवार को भी वे शांतिपूर्वक धरना देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अतिथि शिक्षकों को 10 साल का अनुभव है, फिर भी उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। 18 से 20 दिन का वेतन दिया जा रहा है और 1500 की बोल के 1000 रुपये वेतन दे दिया जा रहा है, ठीक है। और 8 माह का वेतन दिया, जबकि इनने मांग की है कि 12 माह का वेतन दिया जाए, ठीक है।